Chikmagalur, I love you. I love you. And I love you is all I can say. एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? सो आज एक और सैटरडे और हम जा रहे हैं एक और नई जगह. तो कौन सी जगह ये मैं आपको बताती हूँ. सो सिंस इट्स मॉनसून हियर, तो मॉनसून और हिल स्टेशन गोज हैंड इन हैंड. तो मस्त वाला वेदर हो रखा है. आज हम जा रहे हैं चिकमगलूर, जो कि पहले कभी नहीं एक्सप्लोर किया है. कुछ हमारी 295 किलोमीटर्स की जर्नी होने वाली है. तो मॉनसून में ना बहुत ब्यूटीफुल रहता है. लेट्स सी कैसा रहता है. थोड़ा रिस्की भी रहता है लेकिन मस्त रहता है. तो चलिए फटाफट आपको ले चलती हूँ अपने साथ चिकमगलूर घुमाने. सो टाइम हो रहा है 5:20 और हम बिना लेट किए फटाफट यहाँ से निकलते हैं. तो ये मेरे और विमान का सामान जो कि हमने रख लिया है. ना ना ना, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि बड़ी वाली बैग नहीं है. वो ऑलरेडी कार में जाके उनको रख दिया गया है बैग को. अल्काज़ार को पूरा एकदम हमने कन्वर्ट कर दिया है. Yes. है ना, तो आज ये सेटअप के साथ ही हम ट्रैवल कर रहे हैं. सो चलिए फटाफट चलते हैं. हेलो विवान. विवान इज ऑल सेट, अभी सो के उठा है. Hi Mr. DK. Good morning. Good morning. So fully geared up? Yes. Thanks for getting this one BHK done. Hope ये जाके पीछे सोएगा अब. So चलिए फिर चलते हैं एक और अमेजिंग से ट्रिप में भगवान का नाम लेकर. सो देखिए सुबह सुबह आज हम थोड़ा सा ऑन टाइम स्टिक कर पाए हैं. तभी भी हम आधे घंटे के आसपास लेट ही हैं. 5:30 बज रहा है और अर्ली मॉर्निंग का मजा ही कुछ और है ड्राइव का. सो वी आर एंजॉयिंग खाली रोड्स बेंगलोर का. सो ये हम नाइस रोड का टॉल क्रॉस करते हुए एंड यहाँ से सीधे आज हम लोग पहली बार जा रहे हैं टुवर्ड्स टुमकुर. सो अर्ली मॉर्निंग व्यू, बारिश हो रही है, यहाँ भी बारिश हो रही है. तो देखिए गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो नाइस रोड से हम आपको गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं. सुबह हो चुकी है एंड यही हम हमेशा चाहते थे. मैसूर वाला जो लेफ्ट है वो यही हमारे लेफ्ट में गया, जो ह्यूंडई का बड़ा सा कंटेनर जा रहा था. और आज हम टुमकुर रोड की तरफ जा रहे हैं. देखो मौसम मस्त वाला है, बारिश है, सनरूफ ओपन कर रखा है, अच्छा सा व्यू आ रहा है, अच्छा लग रहा है. तो बेसिकली नाइस रोड का एग्जिट फॉर गेटिंग इनटू द टुमकुर रोड. तो देखते हैं कैसा है अभी टुमकुर रोड का स्टेटस, हाउ इज द रोड. सो टुमकुर रोड के लिए हम ये लेफ्ट में चले जा रहे हैं. 1 BHK का सेटअप हमारा. इसका मतलब अल्काज़ार की ना ये एक खासियत है, मतलब अगर पीछे पूरा स्ट्रेट और फ्लैट कर देते हैं तो आराम से काफी जगह हो जाता है. तो इस मामले में भी अच्छा है, मतलब इन केस अगर आप थोड़ा रिलैक्स करते हुए ड्राइव करना चाहते हो, जैसे धीरज बाबू ही कभी अगर थक गए और इनको सडनली मन किया कि मैं पीछे जाके थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, तो फिर आराम से पीछे जाके रिलैक्स कर सकते हैं, है ना. तो इसीलिए आज हमने ये वाली सेटअप ट्राई की है, क्योंकि हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, रेनी सीजन है. तो फटाफट चाय पियेंगे एंड देन बाकी की जर्नी कंटिन्यू करेंगे. ये हमारी चाय ब्रेक. ये छोटू फ्लास्क ना लिया ही है चाय के लिए. मैं चाय की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, अब तक तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा. सो इट्स लाइक यस. तो
तो हमने जो है ना तिप्तूर वाला रूट लिया है चिकमगलूर जाने के लिए, और क्योंकि वी आर न्यू ऑन दिस रूट ना, तो हम लोग ने इंटायरली डिफरेंट रूट ही ले लिया है इट सीम्स। वो हसन वाले रोड से नहीं जा रहे, तो देखते हैं हम लोग को किस डायरेक्शन से जाना होता है। तो जैसा भी होगा आपको श्योरली मैप का डिटेल्स मैं अपडेट करूंगी। और फिलहाल इस रूट पे बहुत ज़्यादा खाने का ऐसा कुछ होटल नहीं दिख रहा था। हम लोग यहाँ ये फूड वैन के पास में रुके हैं और क्यूट सा सेटअप है। फटाफट यहाँ पे कुछ खाएंगे, इडली वगैरह, इडली लुक्स यम्मी, फटाफट खाएंगे और फिर यहाँ से। सो ट्रिप इज ऑल अबाउट दीज क्यूट लिटिल थिंग्स। हम लोगों ने इडली खा लिया है, अब फटाफट हम यहाँ से अपनी जर्नी के लिए प्रोसीड करेंगे। यार मस्त वाले खाली खाली रोड्स मिल रहे हैं और ये रोड बहुत ब्यूटीफुल है, अमेजिंग लग रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मैं आपको ना एक व्यू देती हूँ, ये जो मैंगलोर तिप्तूर हाईवे पे हम हैं। सबको तो मालूम ही होगा चिकमगलूर फेमस किस चीज के लिए है, कॉफी कॉफी एंड कॉफी। देखिए विवान अपना मगन है, पीछे मस्त अपना लगा हुआ है, खुशी तो देखिए इनके चेहरे पे है ना। खाली खाली रोड राइट, एंजॉय कर रहे हो ना। फाइनली येदियुरप्पा जी का ये क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली शिवमोगा की कनेक्टिविटी। हम लोग तो पूरा दूसरे ही रूट पे आ गए हैं यार, शिवमोगा वाले रूट। हम तब से सारे साइन बोर्ड चेक कर रहे हैं कि कहीं पे दिख जाए कि चिकमगलूर का लिखा हुआ है, अब तक नहीं दिखा है, लेकिन डेस्टिनेशन हमारी आ रही है, मतलब हम कॉन्स्टेंटली कवर कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बट हमने पूरा रूट ही दूसरा ले लिया है। बट रोड्स बाई एनी चॉइस इट्स अमेजिंग। मैंगलोर तिप्तूर वाला है ना, व्हाट आर योर फीडबैक्स मिस्टर डीके? आई एम श्योरली वेरी वेरी गुड रोड है, उतना ट्रैफिक भी नहीं है, है ना, रश नहीं है ज्यादा। चिकमगलूर से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी मिस्टर डीके? हरियाली और वही सुकून, ग्रीनरी, सुकून। वही हम तो जाकर बस रिसॉर्ट में रिलैक्स करने वाले हैं। सो कुछ अराउंड यहाँ से 97 किलोमीटर्स का ट्रिप हमारा है टू हनी ड्यूज, 97 नहीं एग्जैक्टली 94 किलोमीटर्स है। और हम लोग ये जो टाउनशिप है वो आरसी के रहे है, जो हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। एंड यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन ना कुछ अराउंड 70 किलोमीटर्स दिखा रही है टू आर रिजॉर्ट। सो लेट्स सी। चिकमगलूर मैं कभी नहीं गई हूँ इससे पहले, एंड लेट्स सी टू द न्यू एक्सपीरियंसेस कैसा है क्या है। ये चिकमगलूर से कुछ अराउंड 25 किलोमीटर और आगे जाकर है, तो
इसका एग्जैक्ट नेम है हनी ड्यूज एक्सोटिका। रोड कंटिन्यूज यार, मतलब ड्राइव का जो मजा आया है ना, ब्यूटीफुल व्यू, तो मजा आ रहा है। हॉलिडे वाली वाइब्स यहाँ से चालू हो रही है मेरी। कितना खूबसूरत दिख रहा है ना वो पहाड़, चीज़ जस्ट लुक एट देम। चिकमगलुरु पहुंच चुके हैं और टाइम कुछ हो रहा है 11, है ना, सुबह 5:30 बजे एग्जैक्टली हम निकल गए थे अपने घर से और अभी 11 बज रहा। रोड्स काफी अच्छे थे थ्रू आउट और लेट्स सी, हमारी जो डेस्टिनेशन है जो हमने रिजॉर्ट बुक किया है ना वो यहाँ से कुछ 26 किलोमीटर पे है। सो चलिए फटाफट चलते हैं, देखते हैं। वेदर तो बहुत अच्छा है, बारिश हो और वाइपर जी को रुकने का मौका नहीं मिल रहा, आज वो पूरे टायर्ड हो जाएंगे वाइपर जी वाइप कर करके पानी। सो काफी सुंदर व्यूज भी मिल रहे हैं, रोड्स, ग्रीनरी एंड ऑल ऑफ इट, बहुत सुंदर लग रहा है। हम चिकमगलूर से बाहर निकल चुके हैं। It's raining, raining and raining. मस्त वाली बारिश हो रही है। Look so beautiful, इतना खूबसूरत दिख रहा है। We are here at this beautiful cafe. Which is Siri Nature Roost. And this is a beautiful resort. I'm just giving you the overview of this place. It's beautiful. Okay, so हम ये यहाँ पे कैफे में रुके हैं, फटाफट थोड़ी सी चाय पियेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। This place looks so amazing. बहुत अच्छी सी जगह है, एकदम सरीन सी। So ये देखिए। And yeah, obviously this beautiful statue of the Mother Nature. Oh, it's idli, vada, puri, sabzi and this rice bhat, na? So hum log ye sari cheeze kha rahe hain. So everything here was just so tasty, so delicious, very tasty. And yes, if you are coming to this place, कॉफ़ी मत मिस कीजिए, कॉफ़ी ज़रूर पीकर जाइए, कॉफ़ी बहुत टेस्टी था यहाँ। दिस प्लेस इज तुम्बा चनागिदे, द कॉफ़ी इज तुम्बा चनागिदे। सो विद दिस वी आर लिविंग फ्रॉम दिस प्लेस सिरी कॉफ़ी, एंड अगर यहाँ आते हैं तो इस जगह पे ज़रूर स्टॉप बाई कीजिए, कॉफ़ी पीजिए एंड फिर यहाँ से जाइए। And yes, let's go and check into the resort and see. Mostly अब ये जो last का 15-20 kilometers बचा हुआ है ना, तो इसमें हमें ज्यादातर घाट के ही रास्ते मिलेंगे। So see how amazing it's already looking like. बहुत खूबसूरत दिख रहा है। And yes, बस जाना है। Honey Dews Exotica is the name of the resort, जहाँ पे हम check in करेंगे और देखते हैं वो जगह कैसी है, एम्बियंस वाइज, फैसिलिटीज वाइज, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी मैं। यार कितना लश ग्रीन, वाओ,
What a beauty. Wow. कितना खूबसूरत लग रहा है ना चिट्टू. A new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out. And look at this, छोटू सा पहाड़ पूरे मिस्ट में छुपा हुआ है. Wow, so beautiful. देखिए, बहुत beautiful. ये जो last वो कैफे के बाद का ये जो 20 किलोमीटर का ड्राइव है ना, मतलब इतना खूबसूरत है कि क्या बोलूं. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. I found my way. In bed. ये तेज बारिश हो रही है. And look at लेफ्ट में तो देखो कितने ये वाले अलग अलग तरह के पेड़. वाव कितना सुंदर दिख रहा है. देखो ऐसा बारिश जो हो रही है देखो. सी हनी ड्यूज कैफे एंड रेस्टोरेंट ओपन नाउ. Cause I find my way, my way, my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. So this is the property. Looks good, let's see. The left. काफी अच्छा सा जगह लग रहा है देख करके. वाइब्स तो अच्छे आ रहे हैं. देखते हैं, बारिश ही काफी हो रही है. यस दिस इज द व्यू फ्रॉम द रेस्टोरेंट एंड हियर इज आवर वेलकम ड्रिंक एंड दैट्स कॉफी. हम जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी जो हमने रूम बुक किए हैं वो उसके लिए. एंड दिस प्रॉपर्टी लुक्स सो ब्यूटिफुल. वाओ. और मोस्ट ऑफ द रूम्स ना ब्लॉक्ड थे. हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं मिला था. लास्ट मोमेंट पे प्लान किया हमने. वी आर कन्फ्यूज कि इतनी बारिश में जाना सही रहेगा या नहीं. बट दिस प्लेस इज़ वर्थ विजिटिंग इन मानसून. मतलब मानसून में आओ यार, ग्रीनरी इतना खूबसूरत दिख रहा था, क्या बोलूँ. सो हियर इज आवर रूम एंड बाकी तो फिर डिटेल में विल कवर इट. बट रूम लुक्स गुड, ब्यूटिफुल है ना. बाथरूम में ना स्लाइडर ऐसी. द वॉशरूम इज ऑल्सो सो गुड. इट्स नाइस. एंड दिस इज हाउ ब्यूटिफुल द व्यू फ्रॉम आवर रूम इज बाहर का. सो ये बैकयार्ड का व्यू काफी खूबसूरत है. पीछे गार्डन टाइप का है. सो ये हमारा खाना. ये रही पनीर, मस्त वाली रोटी. और ये मिस्टर डीके का चिकन. सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो. हम तो मानसून का मजा उठा रहे हैं.